नमस्कार इंडिया का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। कन्नौज में लेखपालों और वकीलों के बीच छिबरामऊ तहसील में शनिवार को हुई मारपीट का मामला तोड़ पकड़ गया। आज जब इस मामले को लेकर लेखपाल संघ ने बैनर तले सभी लेखपालों और वकीलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर कलेक्टर में धरना दे रहे थे, तो उसी दौरान अधिवक्ताओं ने भी कलेक्टर पहुंचकर लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद दोनों ही आमने सामने हो गए। इस दौरान किसी लेखपाल के द्वारा वकीलों पर केले का छिलका फेंक दिया गया, जिससे कलेक्टर परिसर भी आखड़ा बन गया। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर परिसर में ही लगे एक पेड़ से डंडे तोड़कर लेखपाल की पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पर दोनों पक्षों को अलग करने मौके पर जिलाधिकारी सीओ और कोतवाल पहुंचे, लेकिन अधिवक्ताओं ने किसी भी की नहीं सुनी और मौके पर ही काफी देर तक लेखपालों की पिटाई होती रही, जिससे महिला लेखपाल भी लपेट में आ गई। वहीं वकीलों की पिटाई से तीन लोग लेखपाल घायल हो गए, तो वहीं मामले में वकील पक्ष भी अपने कुछ साथियों को घायल होने की बात बता रहे हैं। कितनी आप भटक रही है वहाँ पे? आप लोग किस लिए आए कलेक्ट्रेट में? हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ लेखपाल लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे पब्लिक भटक रही है, तो ये लेखपाल किस लिए बैठे हुए हैं? आपके अंडर के हैं, आप क्या उनका वेतन काटा हुआ है? आप पब्लिक के अनुयायी हैं, जिलाधिकारी महोदय को देखना चाहिए। तीन दिन से यहाँ लेखपाल बैठे हुए हैं, वहाँ की पब्लिक वहाँ पे भटक रही है, इंतखाब नहीं निकल रहे हैं, सब काम ठप पड़े हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी डीएम साहब की है। तो क्या लग रहा प्रशासन मामले को सुलझाना नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं सुलझाना चाहता है। अगर सुलझाना चाहता होता तो हम लोग 16 तारीख से 15 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं इसी बात को लेकर। पब्लिक हम लोग जनता में आप भटक रही है और उसको साथ लेखपाल को सबको आज क्या मामला हुआ था? कितने क्या नाम है? श्याम जी श्रीवास्तव। इतनी सूचनाएं लामबंद है, कुछ दिन हो जाए पर आज क्या मामला हुआ था? आज हम लोग अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम लोग अधिवक्ता के खिलाफ जो है वहाँ पे 376 की दर्ज की गई है। 250 अधिवक्ता लोग वहाँ पे बलात्कार करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कितनी संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है और यहाँ पे लेखपाल लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए फिर क्या हुआ था? हम लोग आने के बाद में लेखपाल उग्र हो गए, हम लोगों को लाठीचार्ज करने लगे, सीओ साहब उग्र हो गए, लाठीचार्ज करने लगे हम लोगों को। हमारे एक अधिवक्ता घायल है, उसको भी हॉस्पिटल जाएगा, जिला अस्पताल पहुंचा हुआ है वो। कौन घायल है? एक अधिवक्ता साथी हमारे हैं, कप्तान भदौरिया। ठीक है, पुलिस ने मारा, लाठीचार्ज कर दिया इंस्पेक्टर ने। दो लेडीज है उनके ऊपर, चार पांच लेखपाल लोग हैं उनके ऊपर भी हो गए। नाम है क्या? छिलका फेंके हम लोगों के ऊपर है, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ घायल हुए उनके नाम है क्या? क्या नाम उनका? तोमर कविता तोमर। मारा गया, यही ताकत है। देख लो प्रधानमंत्री जी और देख लो मुख्यमंत्री जी, यही ताकत है कि महिलाओं को भर्ती करके भी महिला सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। यदि हमने महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था नहीं की तो हम लोग आत्महत्या अगर लेते जाए देगा तो छोड़ा माननीय योगी जी के आत्महत्या करेंगे, चाहे नहीं देंगे आत्महत्या करेंगे। बात की जा रही, क्या आपकी कार्रवाई की जा रही प्रशासन की तरफ से? आज लगभग 12 बजे जब मैं जन शिकायतों के निवारण में जनता दर्शन में बैठा हुआ था, उस समय सूचना दी गई LIU के द्वारा कि कुछ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मिलना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। उसके 15 मिनट बाद ही कुछ अधिवक्ता आए और मैं अपने कक्ष में ही बैठा था, तभी मैंने देखा कि कुछ अधिवक्ता यहाँ से पूर्व में जो एक लेखपालों का के द्वारा धरना दिया जा रहा था, जो शनिवार को छिबरामऊ में घटना हुई थी उसी क्रम में यहाँ धरना दिया जा रहा था, तो वहाँ कुछ अधिवक्ता जाते हुए देखा, तो मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचा। लेकिन कुछ अधिवक्ता उसमें कुछ पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्होंने वहाँ जो लेखपाल बैठे थे उनके साथ क्या कहते हैं आपस में कार्रवाई मारपीट हुई, तत्काल उन दोनों को अलग किया गया और प्रकरण में
विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर आप पर कोई धक्का मुक्की नहीं दिया फिलहाल? नहीं नहीं यार, ये गलत बात है, मैं था बीच में, था दोनों के बीच में आ गया था और दोनों को अलग किया मैंने, और 5-7 मिनट में ही थोड़ा सा ये जो केओश हुआ, लेकिन मैं मौके पर स्वयं पहुंच गया था और अभी अधिकारी थे और तत्काल दोनों बच्चों को अलग किया गया। पुलिस बल भी था और तत्काल मैंने सभी अधिवक्ताओं को बुला के फिर अपने कक्ष में आए, इनसे वार्ता हुई है और प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। सर कोई लेखपाल घायल भी हुए? इसमें एक लेखपाल के सर में चोट लगी है और दो के हाथ में लगी है, तत्काल उनको मेडिकल ये जिला अस्पताल भेजा गया है और उनको पर्याप्त इलाज मुहैया कराया गया। सर कहीं ना कहीं मामला बड़ा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ ढिलाई पड़ती गई है क्या, इस तरह का कुछ अंदेशा नहीं था कि हमला कर सकते हैं वकील यहाँ पर? नहीं, आज का ये जो घटनाक्रम था बिल्कुल अचानक था, 15 मिनट पहले ही ये सूचना मिली थी कि अधिवक्ता आ रहे हैं और 15 मिनट के अंदर वो आ भी गए और केवल उनको ज्ञापन देने का और मिलने का कार्यक्रम था, ये बिल्कुल अचानक वो लेखपालों की तरफ गए हैं, ये बिल्कुल अचानक का घटनाक्रम। सर क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें पुलिस अधीक्षक साहब से भी कहा गया है और इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।